হলো, নে খাবে? हाय, रात में सो जाता है। अरे सब कपड़ा इधर उधर हो गया, अरे पूरा कपड़ा बिखरा पड़ा हुआ है हम लोग का एकदम। सो जा सो जा, इन दो सो ले, किसी मम्मी उठी है। बाहर जाएगा तुम पूरा उसके लिए देखिए खाना है, लेकिन खा नहीं रहा है। रात को लेके सोए थे साथ में, तो पूरा इधर उधर घूम रहा था, बार बार इधर उधर निकल रहा था, तो नीचे उतार दिए। पूरा म्यो 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 कर रहा है। जैकेट पहन लेते हैं, रुको आ रहा है। क्या हुआ क्या हुआ, ठंडा लग रहा है? ज्योति का हॉस्टल से अचानक कॉल आया है, तो इसलिए मैं और मेरा भाई दोनों जन जा रहे हैं। सुबह का भी बजा है साथ, तभी वहाँ से ले के और डायरेक्ट ज्योति को ले के आए हैं भक्तैन के पास, जहाँ से उसको देखवाते हैं। और देखिए वो सोई हुई है, तभी उसका हालत बहुत ख़राब है दोस्तों। तब लोग दुआ कीजिए कि वो ठीक हो जाए। और अभी अंदर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए हम लोग बाहर में ही बैठा के रखे, तो उसको ठंडा लग रहा था इसलिए धूप में बैठा के रखे हैं। क्या होगा पता नहीं। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ज्योति को हम लोग हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए और भक्तैन घर क्यों लेके गए, तो पता है ज्योति को ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना बुखार है ना उसको कुछ है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है, हो सकता है किसी किसी को पता होगा। तो हम लोग मतलब सुबह में उठे और कुछ कुछ काम कर रहे थे, तो अचानक उसके हॉस्टल से फ़ोन आया, तो हम लोग 7 बजे ही निकल गए थे उसके हॉस्टल के लिए, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि ऐसा ऐसा सिचुएशन ही हो गया था कि मतलब बना नहीं सकती थी। जब वहाँ पर घुसी तो देख रही हूँ उसकी सारी फ्रेंड उसको घेर के रखी हुई है, और घर में भी थे उस समय, वीडियो कॉल भी किए थे कि जो कुछ थोड़ा सा बात कर ले, लेकिन वो देख ही नहीं रही थी क्योंकि बार बार आँख पास से कर रही थी। जब फिर वहाँ फिर जाए तो उन लोग का जो रूम है तो बेड है, तो बेड का नीचे में गद्दा बिछा के और उसी के पास उसको सुला के और चारों तरफ सारी फ्रेंड उसकी घेरी हुई थी। तो जब मैं वहाँ पर गई तो मैं उसको पूछ रही थी जो कि मतलब कुछ बोलो, आई हूँ लेने के लिए ऐसे बोल के, लेकिन कुछ बात ही नहीं कर रही थी। और उसकी फ्रेंड लोग भी बात कर रही थी तो कुछ नहीं, बाद में उसको उठाया, मतलब उसकी फ्रेंड लोग सबको उठाई उसको। उसके बाद फिर वो ना मतलब ऐसे बार बार पकड़ रहे थे, ऐसे गिर जाएंगे, मतलब तो उसको इतना डर था ना कि गिर जाएंगे। उसको उसका शरीर में एक भी ताकत नहीं था, क्योंकि हम लोग सुबह में ही झड़वाए थे तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। इतना जो चिल्लाती है ना, तो उसका जितना एनर्जी है सारा पूरा ख़त्म हो जाता है एकदम तुरंत, फिर बेहोश हो जाती है। तो वैसे ही तो बाद में फिर हम लोग कैसे लाएंगे सोच रहे थे, क्या करें, समझ ही नहीं आ, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। और वहाँ का जो मास्टर है वो हेड मास्टर बॉयस है, और पता है मतलब वो लड़का है तो लड़की का हॉस्टल वो जा नहीं सकते, सिर्फ उसको पता था कि हाँ तबीयत खराब, लेकिन उनको पता ये नहीं पता था कि मतलब क्या हुआ है। तो बाद में फिर और एक की मतलब 8 क्लास में है वो बच्ची, तो वो बोली कि दीदी पहले जिससे झड़वाए थे उसे एक बार झड़वा दे ऐसे बोले, तो बोले कि हाँ ठीक है। फिर फ़ोन किए, फिर फ़ोन करके बोले कि उनका मतलब उसका जो बच्ची वैसा हो रही है उसके कान के पास रखो फ़ोन को, इधर से मतलब अपना जो भी है वो कर रहे हैं ऐसा बोला वो। बाद में फिर मेरा फ़ोन को उसका कान के पास रखे, और बाद में फिर मतलब 2-3 बार ऐसा वो लोग देखी है अपना आँखों से, फिर मैं भी देखी हूँ। तो फिर वो लोग बोली कि दीदी हम लोग इतना जन्म नहीं सकेंगे इसको, तो और बच्ची लोग भी आ गई, तो मैं उसका पैर तरफ 6-7 जन उसको पैर तरफ पकड़ी, फिर हाथ तरफ 2-3 जन, फिर इधर मतलब टोटल उसको 10-12 जन पकड़े थे। और जो लड़की खुद से बैठ नहीं सकती थी उसको इधर से भी सपोर्ट मिला था जब मैं गई थी उस समय, इधर भी सपोर्ट इधर भी सपोर्ट फिर इधर भी, मतलब हर तरफ से उसको पकड़ के और बैठा के रखे थे। उसका शरीर में एक भी ताकत नहीं था, लेकिन जब वो मुस्लिम है जब वो मंत्र पढ़ना चालू की इतना ज़ोर से चिल्लाने लगी ना, इतना ज़ोर से एकदम सबको पूरा एकदम साइड, लेकिन सब एकदम पूरा सबको बोल रही कि मत छोड़िएगा मत छोड़िएगा ऐसे बोल के एकदम पूरा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, छोड़ दो ऐसा करके। और 90/20 मूवी आप लोग हो सकता है देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे ना तो एक बार जाके देखिएगा, एकदम पूरा ये है ना ये बदन पूरा एकदम ऐसे करके ऐसे पूरा करती थी, ये पूरा सर ऐसा नीचे एकदम, इसका सर को भी कर रहे थे उसको भी नहीं सक रहे, पूरा ये वाला पूरा ये पूरा फागना एकदम पूरा ऊपर आ गया, छोड़ दो ऐसे कर रहे थे एकदम। हम लोग इतना रोने लगे ना, छोड़ दो हम चले जाएंगे, और आवाज़ उसका जब वैसे चिल्ला रही थी ना, दो आवाज़ निकल रहा था। हम लोग डर से एकदम पूरा एकदम रूम पूरा एकदम पूरा सारी लड़कियां एकदम आके भर गई, क्योंकि उस समय बज रहा था 8:30, तो स्कूल लोगों का क्लास जाने का टाइमिंग था एकदम।
वो मोमेंट इतना ही डेंजर था ना, आप लोग देखते ना तो रो देते, इतना भयानक। हम लोग उसको जोर मतलब जबरदस्ती उसको पकड़ लेते, जोर जबरदस्ती, क्योंकि उसको अगर छोड़ते ना तो पता नहीं वो कहाँ जाती क्या करती नहीं पता, इसलिए हम लोग जबरदस्ती उसको पकड़ लेते। और वैसे ही बोल रही थी छोड़ दो आवाज़ में, बाद में फिर तुरंत बेहोश हो गई। फिर छोटी थी वो बोली कि दादू बेहोश हो गई, तो बोले कि अच्छा रुको, फिर से वो फिर से कुछ करने लगे, फिर वैसे चिल्लाने लगी एकदम। उसके बाद फिर उसका दादू जो थे वो तेल था उसमें मंत्र कर दिए, फिर पानी पानी थोड़ा सा पिलाया। उसके बाद फिर वो बोले ना कि तेल है उसको टिपका टिपका करके कान में ऐसा करके डालो, उसके बाद फिर इसको ऐसा करके बंद करना ऐसे, और इतना ज़ोर से बंद करना ना कि वो अपने आप को भूलेगा कि वो कौन है, ऐसा बोल के बोले कौन है। तो फिर हम लोग, मैं नहीं गई थी, मैं हाथ में इधर साइड में पकड़ लेती, और मैं इतना ज़्यादा रो रही थी कि क्या ही बोलूँ। बाद में उसकी जो सहेली थी वो ऐसे करके काम को ऐसा दबाई, और तेल था पूरा कड़वा का तेल, पूरा हाथ फिसल रहा था एकदम, दबा नहीं, एकदम थोड़ा थोड़ा रोने का जैसा ऐसा की। उसके बाद फिर हाथ फिसल गया ना, नहीं सकी ना। जो लड़की शांत थी रो रही थी, अचानक बेहोश हो गई, हंस रही है, पता है वो क्या बोल रही है, अब तुम लोग तो नहीं सकेगा ऐसे टाइप से, मतलब वो हंसने लगी जो शैतान है वो। बाद में फिर समझ ही नहीं आ रहा क्या करेंगे, फिर से कॉल किए तो वो जो कहीं जाने वाले थे वो लोहरदगा के हैं, तो बोल रहे कि अभी तो हम जा रहे हैं घर से दूसरे जगह पे, तो तुम लोग कान में अच्छा से जोर से तेल मतलब डालो और कान को जोर से दबाओ, तो मतलब जो भी शैतान है वो हट जाएगा, तो तुम लोग उसको आराम से ले जा सकते हो घर ऐसे करके। तो फिर भी नहीं सक रहे, फिर सोचे कि नहीं चलो इसको घर ही लेके जाते हैं। सब उसके फ्रेंड लोग भी बोले दीदी नहीं ले चलिए घर। बाद में फिर पता है फिर तुरंत बेहोश हो गई, और इतना ही हो गई कि उसको मतलब वो चल भी नहीं पा रही थी। तो उसकी एक फ्रेंड है वो उसको पीठ तरफ ला दी बेतरा की और दो पकड़ी, और फिर उसको लेके आया बाहर तक। बाहर में भाई बैठा हुआ था, अंदर में लड़का जाना अलाव नहीं है, तो वहीं पर बैठा हुआ था। बाद में फिर पता है बार बार ऐसे इशारा कर रही है, पत्ता चुंडे बने हुए ऐसे करके, तो भाई बोल रहा है कि क्या है ऐसे बोल के, तो पूरा जोर जोर से रोने लगी और तुरंत बेहोश हो गई। फिर तुरंत ये हुई, उसके बाद फिर भाई को उसकी जो फ्रेंड वो पहले आके बता दी थी कि वो जो मौलवी है ना वो ऐसा करने बोले, तो कान को ऐसा करके जोर से दबाया ना, तो उसका तो जैन से हाथ ज़्यादा जोर से ये वाला दब गया, तो पता है तुरंत वो कबूला नहीं कौन है बोल के, तो वो कबूला नहीं, एकदम तुरंत बेहोश हो गई। बाद में फिर एकदम चार लड़की चार पांच हम लोग चारों जन पकड़े, और समझ नहीं आया हम लोग लेके गए स्कूटी लेके आएंगे कैसे, और हम लोग का घर से ना 65 किलोमीटर है उसका हॉस्टल, हाँ समझ में नहीं आया क्या करें। बाद में फिर वैसे पांचों पूरा पकड़ के एकदम लेके आए स्कूटी तक लाए, उसके बाद फिर थोड़ा सा होश आया। तो फिर ये स्टॉल है ये वाला अभी इंदू जोड़ के अभी इधर साइड हुई है, तो एक उसकी कोई दोस्त थी वो लेके आई स्टॉल को, फिर भाई आगे पे बैठा, उसके बाद फिर स्टॉल को ऐसा करके कमर में बांधा, फिर मैं पीछे से पकड़ी, फिर मैं लेके आई। तो फिर भाई घर लेके गई, फिर वहाँ पे झाड़ दिया, वो थोड़ा सा बात करने लगी, उसके बाद फिर घर लाए। तो पता नहीं दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन ये अंधविश्वास नहीं है, मैं नहीं मानती। हो सकता है आप लोग, बहुत लोग शहर में रहते हैं ना, लोग सोचते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, नहीं मानना चाहिए, सबको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, लेकिन मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ। वो शैतान पता है वो जब भी हॉस्टल जाती है तब भी वो पकड़ लेता है। फिर हम लोग मतलब अच्छा सब कोई रहते हैं ना, तो थोड़ा सा अगल बगल का भी लोग थोड़ा सा ये करते हैं, क्या ही कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब आप क्यों शेयर कर रही हो, तो बहुत लोग देखिए मेरे से जो लोग हम लोग को फैमिली जैसा मानते हैं, उन लोगों को जानने का इच्छा है कि क्या हुआ था एक्चुअली में। और पता सच बता रही हूँ, अगर वो मैं वीडियो कर डालती ना तो आप लोग रो देते, इतना डेंजर था। सोचिए एक बच्ची 10-12 लड़की को संभाल, मतलब 10-12 लड़की उसको संभाल नहीं पा रही थी, सोचिए इतना ताकत आ गया था उसमें। तो अभी तो देखिए आप लोग, पवन का पीछे आगे पीछे हो रहा है। कुछ खाएगी ज्योति, आग दो ज्योति कुछ लाइन देव खाए ले। मेरे पीछे पीछे खाली वो चलता है, मारेंगे ना बस, चल जा घर जा अंदर, चला इधर आ, इधर इधर आ जा, इधर आ, इधर आ, खुशी भागो बेटा भागो 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 भागो, नहीं तो मुर्गी तुमको नोची, भागो नहीं तो मुर्गी तुमको नोच के ले गई, भागो नहीं तो मुर्गी नोच के ले गई तुमको, भागो चलो घर जा तुम, नहीं तो मुर्गी खा जाएगी। हाँ छोटा सा ये है थेथरा।
खेत रहा गोल गोल खाली ब्लॉक रहेगा। अभी मैं जा रही हूँ दुकान। बाय बाय फूसी। क्या बजे आ रहे? 2 बजे। अभी जा रही हूँ दुकान और नमिता पहले ही चल रही है। नहीं पड़ रहा है ये, और मैं अभी दौड़ दौड़ के जाती हूँ क्योंकि मैं दीदी का दुकान तरफ गई हूँ। मेरे को दौड़ना पड़ेगा दुकान। रोड में नहीं दौड़ना है, काहे? हाय, पानी पड़ रहा है। आइला, ये बच्ची बना रही है बर्गर। बहुत ज्यादा इधर मलक रहा है, पानी पड़ रहा है, पता है हमारा स्टॉल इलेक्ट्रिकी बिजली से ना बहुत डरती है जी। आप लोगों को सुनाई भी पड़ रहा होगा पूरा, कैसे इधर का मौसम देख रहे हैं। और आज हम मेरी राइडर चली गई है भाई के साथ में, तो उसी में बैटरी था तो यहाँ पे लाइट भी नहीं जल रहा है, पूरा अंधेरा है। और सारे लोग पूरा गाड़ी खड़ा कर करके साइड में बच रहे हैं पानी से। क्या हुआ इधर भी पूरा कैसे पानी? नाम ही नहीं ले रहा है, कैसे हम तो घर जाएंगे? गाड़ी भी नहीं है और नमिता का अभी तक पता नहीं बना कि नहीं। और हम लोग का इधर देखते ऊपर में पानी पूरा डबडब आ गया है यार, टूटने वाला है रे नमिता। इस साइड में रही देखिए मैया, देख रही इस साइड में भी वैसी है, इस साइड में भी वैसी है यार। थैला उला हटा रहे, देख रहे इतना झमझमा पानी पड़ रहा है। ओ माय गॉड, ब्रेड व्रेड सब बर्बाद हो जाएगा। ना कुछ नहीं, कैसे क्या कर रहे पानी कैसे ना बेटा ढेरे अथी हो गया है, पी रही हूँ लड़े रहे। ज्योति सो वाले दोस्तों देखे ठंडा ढेरे अथी खावे खीर खावे आए आए ज्योति खावे गुडू का हलो नहीं खबे ये बार नहीं बात करूला एखन गतर बांध देखो तो ले गले जोन एखन भूख लगला अपने चाटे लगेले क्या दूध पी जबरदस्ती है जबरदस्ती लग खिलाने पिलाने में लग रहती है ठीक रही खावे नहीं कर रही है खावे नहीं कर रही मुँह कैसे चुटुक 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 कर रहा है नहाए बड़े ली है एकन एकन ना नहाए जगी तो नहाए जगी। और हम लोग तरफ लाइट भी नहीं है, मौसम खराब करता है थोड़ा सा और बस लाइटें कट जाता है अभी। तुम इसमें चिल्ले ले रहे ज्योति का चीनी का जैसे हुआ है तैसे दही बनाते दूध आज का ब्लॉग नहीं करती है, एक आदत नहीं करती, एक आदत खत्म डेली 1 किलो नहीं।